उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आप कैसे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उजैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो। देखिए दोस्तों, कबूतरों को दाना डालने आ गया और कबूतरों को देख रहा था तो अचानक ही जो है ना सोचा कबूतरों पर नज़र पड़ी है। देखे थोड़े थोड़े नीले लग रहे हैं। ये देखें मादी को देखें, बड़ा रूसी कबूतर है। ये देखें ये ऊपर वाली गोल्डन मादी आज काफ़ी बेहतर है पहले से। ये भी थी, ये भी बेहतर है। ये बड़ी चार नंबर वाली मादी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा वीक थी। ये तो बिल्कुल फाइन है, फिट है बिल्कुल ही। लेकिन ये दो तीन कबूतरों ने जो है ना फिक्रमंद कर दिया है। बड़े मेन कबूतर है ये सारे। देखिए कबूतर से मेरे ख्याल से चला भी नहीं जा रहा। मैंने कोशिश किया कबूतर को पकड़ के दवाई दे दूँ, कबूतर पकड़ने में नहीं आ रहा। आपको पता बड़ा कमरा और बड़े कमरे में कबूतर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता पकड़ना। तो अब रात को ही है कि रात को जब मैं आऊँ और कबूतरों को देखने, रात को अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आया तो जिसकी वजह से नहीं देख पाया कबूतरों को। अब मैं रात को आऊँगा और रात को फिर कबूतरों को देख के जाऊँगा। यहाँ पे साइडों पे आपको पता है जोड़ों ने अंडे दिए थे, चार नंबर वाली पट्टी ने, उस तरफ फैंसी ने, इधर बीच में लकवे वाले जोड़े ने। इस तरफ इस एरिए में जो है ना मुझे लग रहा है कुछ चूही है, अंडों को तोड़ तोड़ बाहर फेंक देती है। ये देखें ये बाहर पड़े हुए। यहाँ पे इस तरफ सिर्फ वही अंडे बच रहे हैं जो 24 घंटे में से एक आध मिनट भी ना खाली रहे कि नर उठा तो मादी बैठ गई, मादी उठी है तो नर बैठ गया। वो वाले अंडे सिर्फ वो एक ये मादी जो है ना सिर्फ ये बच्चे यहाँ पे पाल पा रही है। बाकी और किसी को उस तरह का मौका नहीं मिल रहा यहाँ पे बच्चे पालने का। मेरे ख्याल से रूसी कबूतर नीचे आ गया हुआ दाना खाने, वो आगे बैठा हुआ ऊपर। हाँ ऊपर नहीं है, वो आ गया हुआ नीचे दाना खाने। ये कबूतरों को वैसे पानी में मैंने दवाई मिला दी है लेकिन फिर भी अब बीमार तो है, देखना होगा। ये देखिए मैं पास जाते ही जाऊंगा, इसने मेरे काबू में नहीं आना बल्कि आ गया। आ गया आ गया काबू में आ गया। वीडियो को करता हूँ मैं शौक और कबूतर को ज़रा देख लूँगा। दोस्तों दोनों कबूतरों को देखे, कबूतर जिसामत वाइज तो दोनों ठीक है, अंदर से बिल्कुल ठीक है, खुश्क नहीं हुए, हड्डी नहीं निकाली, ठीक है। लेकिन कबूतर जो है ना सुस्ती में या ढीले हुए हैं, इनकी शक्ल देख के ही लग रहा है कि कबूतर बीमार हुए हैं। तो इन्हें मैं रात को आकर लाजमी करूँगा, बाकी इंशाल्लाह होपफुली ये हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। बाकी अब चलते हैं ऊपर वाले कबूतरों के पास और वहाँ पे जाके देखते हैं। उनमें से तो कोई कबूतर बीमार वगैरह नहीं है, उनमें से तो नहीं कुछ ढीला, क्योंकि उन्हें भी देखना है, इन्हें भी देखना। नीचे वाले कबूतर मैं देख रहे हैं वो कबूतर फिट थे। ये देखिए कबूतर वैसे तो गुटक रहे लेकिन कबूतर जिस तरह का एक्टिव हुआ करता था उस तरह का एक्टिव नहीं है, तो जाहिर बात पता चल ही जाता कबूतर एक्टिव है या नहीं है। ये देखिए ये मादी भी इसी तरह हुई पड़ी है। ये देखिए इसे भी देता हूँ दवाई, बल्कि ये तो नीचे ही है, पकड़ी भी जाएगी यहाँ पर। दवाई भी मेरे पास मौजूद है, ड्रॉपर भी पड़ा हुआ है। इसे जो है ना मैं अभी दाना दवाई दे देता हूँ। रूसी को भी कोशिश करता हूँ, अगर दोबारा फिर पकड़ा जाता है तो इसे भी दे देता हूँ। मेरे कमरे वाले कबूतरों के बाद ऊपर आके अब दाना डाल लिया। ये देखिए कबूतर आना शुरू हो रहे हैं बाहर की तरफ। देखिए सूरी कबूतर लाल आँख वाला, पीछे ही जौंसरा पट्ठा खड़ा है, पीछे ही दोनों मादियाँ खड़ी हैं। फिर इनकी एक जोड़ा वो ऊपर करके पीछे बैठा हुआ, धूप की वजह से अब नज़र नहीं आ रहा बाहर से। बाकी का कबूतर जो है ऊपर वाले तो अलहमदिल्ला सारे फिट हैं, नीचे वाले ही थोड़े से बीमार थे, उन्हें मेडिसिन वगैरह दें। चार पीस जो थे ना मुझे ढीले लग रहे थे, एक बड़ा नर, दो मादियाँ और एक बच्चा, चारों को जो है ना मेडिसिन दें, वो पकड़ में आ गए थे। इंशाल्लाह रात को आके दोबारा उसे मेडिसिन देंगे तीनों को, होपफुली जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाई अब परिंदे रखें तो फिर उनकी हिफाजत भी करनी होती है, डे बाई डे देखना भी होता है। इसी तरह चलता नहीं तो ये 8-8 साल पुराने कबूतर मेरे पास कैसे बचे होते। ले जी दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह एक और वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।